हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि दोस्तों टर्मक्स में मैट्रिक्स को इंस्टॉल कैसे करते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे इंस्टॉल करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको इसको क्लियर कर लेना है। आप इसको करें या फिर ना करें, इसके कोई दिक्कत नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपको पैकेज इंस्टॉल करना है। पैकेज उसके लिए दोस्तों आपको टाइप करना है apt, पहले इसको अपग्रेड कर लेना है। फिर दोस्तों आपको टाइप करना है apt अपग्रेड। फिर से दोस्तों आपको टाइप करना है pkg इंस्टॉल। दोस्तों आपको यहाँ पर टाइप करना है सी मैट्रिक्स, एंटर प्रेस करना है। और दोस्तों आपके सिस्टम में मैट्रिक्स इंस्टॉल हो चुका है। चलिए इसको देखते हैं रन करके। पहले दोस्तों मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ। दोस्तों आपको यहाँ पर सी मैट्रिक्स टाइप करना है, एंटर प्रेस करेंगे दोस्तों देख सकते हैं दोस्तों आपके सामने मैट्रिक्स आ चुका है। दोस्तों अगर आप इस कीबोर्ड को यहाँ से हटाना चाहते हैं तो दोस्तों आप इसको लेफ्ट साइड की इसको ऐसे स्क्रॉल कर लेंगे। यहाँ पर दोस्तों आपको कीबोर्ड दिखेगा, आप यहाँ पर टच कर देंगे तो दोस्तों आपका कीबोर्ड हट जाएगा। ऐसे दोस्तों आप इसको फिर से लाना चाहते हैं तो आप इसको यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। अगर ऐसे ही दोस्तों आपको इसी में न्यू सेशन स्टार्ट करना है तो आप इसको यहाँ न्यू सेशन पे क्लिक कीजिए। दोस्तों आपका न्यू सेशन स्टार्ट हो चुका है। फिर से दोस्तों आपको सेशन वन पे जाना है, यहाँ पे क्लिक कीजिए। देखिए दोस्तों आपका न्यू सेशन जो पहले में हम लोगों ने सी मैट्रिक्स का कमांड टाइप किया था वो दोस्तों रन हो रहा है। और दोस्तों अगर आप इसको बंद करना है तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है कंट्रोल जेड पर किसिए। देखिए दोस्तों आपका मैट्रिक्स था वो आपका स्टॉप हो चुका है। फिर से आपको इसको स्टार्ट करने के लिए आपको टाइप करना है सी मैट्रिक्स, या फिर दोस्तों आप इसको जो यहाँ पे अप एरो की दिख रहा है आपको दोस्तों यहाँ पे क्लिक करना है। दोस्तों आपने जो ऊपर वाला कमांड आपको टाइप किया था वो सेम कमांड आपको यहाँ पे लिख जाएगा। दोस्तों आई होप वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू।